Hello everyone, namaste. Welcome back to my channel. My name is Vijaya and you are watching Craft by a Happy Soul. Today we are going to decorate books as a decor for our home. बुक्स पढ़ना हम सभी को बहुत अच्छा लगता है, बस हमारे इंटरेस्ट अलग होते हैं। किसी को फ्रिक्शन अच्छा लगता है, किसी को रोमांटिक अच्छा लगता है, किसी को बायोग्राफी, किसी को स्पिरिचुअलिटी, किसी को एजुकेशन। इन शॉर्ट हम सभी को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। हमारा आज का DIY बुक को ऑर्गेनाइज करके भी रखता है और दिखने में भी ब्यूटीफुल लगता है। तो आज हम बनाने वाले हैं बुक एंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस DIY को बनाने के लिए मैंने ऑनलाइन वुडन बुक एंड्स ऑर्डर किए थे। ये कुछ इस तरह आए थे। इसके अंदर दो वुडन एंड होंगे इस तरह। इन दोनों पीस पर मैं जैसो अप्लाई कर लूँगी। बुक एंड के एक पार्ट पे मैं डेकोपाज करूँगी, जिसके लिए मैंने दो डिफरेंट डेकोपाज पेपर लिए हैं। ये मैंने इट्सी बिट्सी से लिए थे। और मैं अदर पार्ट पे चॉक पेंट यूज़ करूँगी, ये भी मैंने इट्सी बिट्सी से ही लिए थे। इनके कलर हैं टील टैंगो, साल्सा रेड, मिस्टी रोज, टेटरलेस। सबसे पहले मैंने डेकोपाज पेपर को अपने बुक एंड के स्क्वायर के अकॉर्डिंगली कट कर लिया है। दूसरे पेपर को भी इसी तरह कट कर लिया है। इसके बाद मैं बुक एंड के दो पोर्शन में चॉक पेंट अप्लाई करूंगी। एक पोर्शन के लिए मैंने रेड और पिंक कलर चूज किया है और दूसरे वाले में मैं टील कलर और लाइट ग्रीन कलर यूज करूंगी। कलर्स को मैंने डेकोपाज पेपर के अकॉर्डिंगली मैच किया है। सिमिलरली हम दूसरे बुक एंड में कलर अप्लाई करेंगे। एक पोर्शन में पिंक और रेड, दूसरे में क्रीम कलर यूज करेंगे। दोनों बुक एंड के अंदर के पोर्शन में कलर ड्राई हो गया है। मैंने यहाँ पे डबल कोट किया है। दोनों कलर कितने वाइब्रेंट और ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। तीसरे पोर्शन में डेकोपाज करेंगे। बाहर की साइड में मैं फेब्रिकल का पिंक कलर यूज करूंगी, पिंक एक्रेलिक कलर। इसके भी मैं दो कोट यूज करूंगी। बाहर का साइड भी कम्प्लीटली ड्राई हो गया है। अब हम डेकोपाज पेपर पे वाटर स्प्रे करेंगे और इसको थोड़ा वेट कर लेंगे। ऐसा करने से रिंकल्स और बबल्स नहीं आते हैं। पेपर को स्टिक करने के लिए मैं डेकोमैजिक ग्लॉसी ग्लू यूज करूंगी। इसको अप्लाई करने के लिए मैं फैन ब्रश का यूज कर रही हूँ। यहाँ पे सभी प्रोडक्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप अमेजोन से या तो इट्सी बिट्सी की वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप मेरा कूपन कोड VIJAY VIJAY5 यूज़ करते हैं इट्सी बिट्सी की वेबसाइट पे, तो आपको एडिशनल 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। कोशिश करें डेकोपाज पेपर को आराम से धीरे धीरे और छोटे छोटे सेगमेंट में स्टिक करें, जिससे इसमें बबल्स और रिंकल्स नहीं आए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लास्ट में मैं स्पॉन्ज डॉबर की हेल्प से पेपर को अच्छे से प्रेस कर लूँगी, जिससे अच्छे से स्टिक हो जाए। आप ड्राई ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरे बुक एंड में भी हम सेम प्रोसेस से डेकोपाज पेपर को स्टिक कर लेंगे। लास्ट में मैं दोनों डेकोपाज पेपर के ऊपर डेकोपाज ग्लू यूज कर लूंगी। ऐसा करने से ये वाटरप्रूफ हो जाते हैं और ये जल्दी खराब नहीं होते हैं। अब हम एक पोर्शन पे स्टेंसिल से सुंदर सा प्रिंट ड्रॉ करेंगे। इसको प्रिंट करने के लिए मैंने स्टेंसिल ब्रश का यूज किया है और ब्लैक कलर का एक्रेलिक कलर यूज किया है। कलर अप्लाई करने से पहले ध्यान रखें कि स्टेंसिल एक ही जगह पे प्लेस रहे। इसके लिए आप वॉशिंग टेप से इसे स्टिक कर सकते हैं। कलर धीरे धीरे अप्लाई करें, जिससे कि वो इधर उधर नहीं स्प्रेड हो, अदरवाइज हमारा प्रिंट खराब हो जाएगा। और इसको धीरे से निकाल लें। देखिए कितना सुंदर प्रिंट लग रहा है। सेम हम दूसरे पार्ट पे भी ऐसे करेंगे। दूसरे बुक एंड के पार्ट पे धीरे धीरे से ब्लैक कलर अप्लाई कर लेंगे। बुक एंड के रेड कलर के पोर्शन के ऊपर मैं ये ड्रीम कैचर का मेरे पास क्लियर स्टैम्प है, उसको यूज़ करूँगी। इसको यूज़ करने के लिए मैं अर्काइवल इंक का यूज़ कर रही हूँ, ये ब्लैक कलर में है।
मैंने इसको एक ब्लॉक पे, एक्रेलिक ब्लॉक पे प्लेस किया और उसके ऊपर मैं ये इंक को इस तरह प्रेस करके लगा रही हूँ। इसके बाद में हम इसको स्टैम्प कर देंगे, सेम दूसरे पोर्शन पे भी कर लेंगे और ये रेडी हो गया है। आप इसे ऐसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं या इस पर कोई भी फ्री हैंड की पेंटिंग या कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। अभी मैं ये गोल्डन वैक्स यूज़ कर रही हूँ, मेटेलिक वैक्स है ये गोल्डन शेड में। इसको है ना मैं बुक एंड के एजेस पे अप्लाई करूँगी, इससे थोड़ा डिस्ट्रेस लुक आएगा और ये थोड़ा एंटिक फिनिश देगा। लास्ट में मैं वार्निश यूज़ करूँगी इसको सिक्योर करने के लिए और इसकी लॉन्जिविटी को बढ़ाने के लिए। वार्निश को हम अंदर की साइड भी अप्लाई करेंगे और बाहर की साइड भी, और हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। नाउ दिस इज़ फाइनल लुक। आई होप आपको ये DIY पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।